हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी फोर टाइम्स हीज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? 15 साल के बाद, यानी फ्रॉम नाउ है ना, यानी 15 साल के बाद रवि का जो एज है वो अपने प्रेजेंट एज से फोर टाइम्स हो जाएगा। तो बताइए कि रवि का प्रेजेंट एज क्या है। तो हम लेट कर देंगे कि रवि का प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है। हम लिख दिए हैं कि लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, यानी रवि का प्रेजेंट एज जो है वो एक्स ईयर्स है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 15 साल के बाद रवि का प्रेजेंट एज अभी एक्स है, तो 15 साल के बाद एक्स प्लस 15 हो जाएगा। तो 15 साल के बाद रवि का एज जो है वो फोर टाइम्स हो जाता है। यहाँ लिखेंगे हम कि 15 साल के बाद, यानी कि एक्स प्लस 15, रवि का जो एज होगा वो उसके प्रेजेंट एज का फोर टाइम्स हो जाएगा। प्रेजेंट एज एक्स है, उसका फोर टाइम्स हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 15 इक्वल टू 4x होगा, जिसमें से हम लिखेंगे 4x अपने जगह पर है, x को हम 4x की तरफ ले आएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू 15 अपनी जगह पर है। इसमें सॉल्व होगा हमारा 3x इक्वल टू 15, और x के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15/3, यानी कट गया हमारा, कैंसिल होकर 5 आएगा, यानी x 5 हो गया। और x हमारा क्या लेट किए थे, तो x हमारा रवि का प्रेजेंट एज था। हेंस हम कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रवि एज कितना हो गया हमारा, तो 5 इयर्स, और यही हमारा आंसर होगा।